HTML के अंदर प्रोग्रेस बार बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। प्रोग्रेस बार कैसे बनाई जाए उसको देखते हैं। हम नोटपैड पे ही बना सकते हैं प्रोग्रेस बार, ठीक है। तो नोटपैड पे कैसे बनाएंगे प्रोग्रेस बार उसको देख लो पहले, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, नोटपैड को ओपन करना है। तो यहां से जाके नोटपैड को ओपन कर लेना। ये नोटपैड आपको दिखाई दे रहा है, क्लिक किया ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये पुराना कोड है, हम यहां से न्यू पेज ले लेंगे और यहां पर आ जाएंगे। अब यहां पर हमको नोटपैड की कोडिंग करनी है, ठीक है। तो नोटपैड की कोडिंग में हमें क्या बनाना है, प्रोग्रेस बार। क्या बनाना है, प्रोग्रेस बार। तो कैसे बनाएंगे प्रोग्रेस बार और ये कैसा दिखेगा, तो हम डायरेक्ट कोडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले तो हम HTML से ही शुरू करते हैं। वैसे तो हम कमेंट लिख सकते हैं, यहां पर कमेंट में मैंने दे दिया प्रोग्रेस बार, क्या लिख दिया, प्रोग्रेस बार, ठीक है। और फिर यहां पर एंटर कर दिया और एंटर करने के बाद यहां पे HTML से स्टार्ट किया, ठीक है। फिर यहां पर क्या देना है, हेड देना है, ठीक है। आप टाइटल को चाहे तो स्किप कर सकते हैं, वैसे दे भी सकते हैं, यहां टाइटल दे देंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो यहां पे टाइटल में मैं दे भी देता हूं प्रोग्रेस बार, ठीक है। यहां पे दे दिया प्रोग्रेस बार, अब इसको क्लोज कर देते हैं टाइटल को, टाइटल का काम खत्म, ठीक है। तो यहां पे टाइटल को क्लोज कर दिया है, अब हेड का भी काम खत्म है, तो हेड को भी हम क्लोज ही कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। अब नीचे आते हैं जैसे ही, तो यहां पर हमको यूज करना है बॉडी टैग। बहुत नॉर्मल सी बात है, बॉडी टैग के ही अंदर सारी चीजें करी जाती हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर प्रोग्रेस बार बनाना है। तो प्रोग्रेस बार बनाते समय हमें ये ध्यान देना है, यहां पे कुछ देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज एंटर करके सीधे नीचे आएंगे और यहां पे लिखेंगे प्रोग्रेस टैग, PROGRESS। तो ये हो गया प्रोग्रेस टैग। और प्रोग्रेस टैग के अंदर हमें वैल्यू देनी है, जैसे यहां पर हम वैल्यू दे देते हैं 200, क्या दे देंगे, 200, ठीक है। आप वैल्यू कम या ज्यादा भी कर सकते हैं, और यहां पे मैक्सिमम जो इसकी ये होगी वो 500 कर देते हैं। तो ये 500 हो गया, और 500 करके इसको क्लोज कर देंगे, और क्लोज करके फिर यहाँ पे एंटर करेंगे, बॉडी टैग को क्लोज करेंगे, और बॉडी टैग को क्लोज करके HTML को क्लोज करेंगे, और HTML को क्लोज करके, और इसको अब सेव करने की बारी है। तो यहाँ से इसे कंट्रोल एस करके सेव करेंगे। तो इसको हम डेस्कटॉप पे ही सेव करते हैं, और वही जो हमारा फोल्डर है एनिमेशन, उसी के अंदर हम इसे भी सेव कर रहे हैं, ठीक है। यानी डेस्कटॉप पे जाके एनिमेशन वाले फोल्डर में भी में ही हम इसे सेव कर रहे हैं। तो मैं इसे प्रोग्रेस के नाम से सेव कर रहा हूँ। तो ये हो गया प्रोग्रेस .html, ठीक है। एंटर कर दिया, एंटर करने के बाद यहां पर क्लिक करके, और देखिए यहां पर ही आया होगा प्रोग्रेस वाला। तो यहां पे जाके और प्रोग्रेस जो लिखा हुआ है यहां पे, देखिए ये है प्रोग्रेस। तो यहां पे क्लिक करते हैं, तो देखिए ये प्रोग्रेस बार आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं थोड़ा सा इसको जूम भी करता हूं ताकि आपको देखने में सुविधा हो। तो यहां पर देखिए ये आपका प्रोग्रेस बार है, देख सकते हैं। अब इसमें ये जो नीले कलर की फिल हुई स्याही आपको दिख रही है, इसको अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। ये यहाँ पे कोड विंडो पे आए हम, प्रोग्रेस वैल्यू 200 दिया गया है और मैक्सिमम 500 दिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं प्रोग्रेस वैल्यू को बढ़ाता हूँ, यहाँ से देखिए ये प्रोग्रेस वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, 500 कर दे रहा हूँ या 300 कर दे रहा हूँ, 300 या 400 करते हैं। तो 400 किया और कंट्रोल एस करके सेव किया। तो अभी देखेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा यहाँ पर, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए ये प्रोग्रेस, ये जो स्याही जो नीले कलर की दिख रही है वो बढ़ जाएगी। यही आपका प्रोग्रेस बार है, ठीक है। अगर प्रोग्रेस बार में मैक्सिमम साइज जो है यहाँ पे बढ़ाते हैं, फिर देखिए यहाँ पर 700 कर देते हैं, तो यहाँ पे ये चीज थोड़ी और बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जा करके और इसको यहाँ से करेंगे तो देखिए ये कम हो गया और ये जो खाली वाला है ये बढ़ जाएगा। तो बस इस तरीके से आपको करना है और प्रोग्रेस बार आपका बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, ठीक है।